हेलो मित्रों, मैं हूँ सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक हॉन्टेड डिमेलो हाउस की भयानक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम महेंद्र है और मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे हमेशा से भूत प्रेतों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियाँ पढ़ने और लिखने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन मुझे पता चला कि गोवा शहर में डिमेलो नाम का एक पुराना और खंडहर घर है, जिसे स्थानीय लोग भूतिया मानते हैं। दक्षिण गोवा के सेंटी मोल में स्थित डी मेलो हाउस गोवा के सबसे कुख्यात प्रेत बाधित घरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस घर में डी मेलो भाइयों की आत्माएं रहती हैं, जो हमेशा अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक रात लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने दूसरे को मार डाला। कुछ दिनों के बाद दूसरे भाई की भी मृत्यु हो गई। तब से राहगीर और आसपास के रहने वाले लोग डी मेलो हाउस से अजीब आवाजें और खून जमा देने वाली चीखें सुनने का दावा करते हैं। उनका मानना है कि घर शापित है और इसीलिए कोई भी उसके पास नहीं जाता। इसे खरीदना तो दूर की बात है। मेरे लिए यह एक सुनहरा मौका था कि मैं उस घर का भ्रमण करूं और अपने अनुभव के बारे में लिखूं। मैंने अगले ही दिन उस घर का रुख किया। डी मेलो हाउस एक पुराने रेसिडेंटल एरिया में स्थित था, जहां अब कोई नहीं रहता था। दिन का समय होते हुए भी वहां काफी सन्नाटा पसरा रहता था। मैंने देखा कि घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थी और बाहर से घर पूरी तरह से खंडहर की तरह लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया। अंदर घर के हालात और भी खराब थे। सब कुछ धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। मैंने फ्लैशलाइट से आसपास की जांच की तो कमरों में कुछ फर्नीचर के अवशेष नजर आए। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैं हैरान रह गया कि यहाँ तो मैं अकेला था, तो ये कौन है? मैंने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ है। अचानक से मैंने कमरे के कोने से एक आवाज़ सुनी। वहाँ एक बच्चे की आवाज़ थी जो रो रहा था। मुझे डर के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी हुई। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा, आवाज़ बंद हो गई। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने भागकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरे पैरों को किसी ने पकड़ रखा है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तभी अचानक एक भयानक सा दिखने वाला आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा अधजला हुआ था। मेरी सांसें तेज हो गई और मुझे लगा कि मेरा अंत नज़दीक है। मैंने भगवान का नाम लेते हुए आखिरी बार भागने की कोशिश की और अचानक मुझे एक झटका लगा। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और तभी मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि मैं उस घर के बाहर था और सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद बेहोश होकर गिर गया था और मुझे डर के मारे वह सब कुछ असली लगा। लेकिन इस घटना ने मुझे ये सबक सिखाया कि अनजान भूतहा जगहों पर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने घर का रुख किया और मैंने फिर कभी डी मेलो हाउस की तरफ देखा भी नहीं।